हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस तरह की बहुत सारी इमेजेस आपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखी होंगी एंड बिकॉज ऑफ ह्यूमन नेचर आपको क्यूरियोसिटी भी हुई होगी कि इस तरह की इमेजेस जो हैं वो कैसे क्रिएट की जाएं। सो डोंट यू वरी, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। ऐसे इमेजेस स्पेशली जो हैं टिकटॉक पर बहुत ही ट्रेंडिंग में हैं और पर्सनली जब मैंने अपने टिकटॉक अकाउंट पर ये पिक्स अपलोड की थी तो आई गॉट मिलियंस ऑफ व्यूज़ और मैंने अपने टिकटॉक अकाउंट का स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। आप चाहें तो जाकर विजिट भी कर सकते हैं। इट मीन्स कि आप जो है अपने लिए भी इस तरह की इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं और दूसरों को भी क्रिएट करके दे सकते हैं और अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड भी कर सकते हैं। इट इज़ वेरी वेरी ईजी। इस तरह की इमेजेस क्रिएट करने के लिए जो एप्लीकेशन मैंने यूज़ की है वो है बिंग। आप जो है इसे गूगल से भी सर्च कर सकते हो और डायरेक्टली प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इसका फर्स्ट स्टेप ये होगा कि ये आपसे साइन अप मांगेगा। अगर आपको अकाउंट क्रिएट करना नहीं आता तो लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आप वीडियो वॉच कर सकते हैं और ईजिली अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चूँकि मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो जब मैं एप्लीकेशन को ओपन करूँगी तो इसका फर्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर इस एरिया में प्रॉम्प्ट को राइट करना है और ऑब्वियसली जब आप कोई भी इमेज क्रिएट करना चाह रहे होते हैं तो आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम अपनी इमेजेस में ये चीज़ें जो है वो ऐड करेंगे। तो बेटर ये होता है कि आप जो है पहले से ही किसी भी नोट पैड पर प्रॉम्प्ट अपना राइट कर लें और देन जब आप उसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आप उसकी एडिटिंग भी कर सकते हैं। So, मैंने जो है ऑलरेडी प्रॉम्प्ट राइट कर लिया है। आई एम जस्ट गोइंग टू डू कॉपी पेस्ट। अगर आप सेम प्रॉम्प्ट चाहते हैं और इसी तरह की इमेजेस क्रिएट करना चाहते हैं तो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि आप ये प्रॉम्प्ट कहां से गेट कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग टिल एंड। प्रॉम्प्ट राइट करने के बाद यहाँ नीचे जो है वो क्रिएट का ऑप्शन है। क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर ये चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपके पास कॉइन्स अवेलेबल हैं तो इसका जो प्रोसेसिंग टाइम होगा वो विद इन फ्यू सेकंड्स होगा। लेकिन अगर कॉइन्स अवेलेबल नहीं भी हैं तो डोंट यू वरी, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आप फिर भी इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं बट इट विल टेक सम प्रोसेसिंग टाइम मोर देन 1 मिनट। सो यू जस्ट हैव टू वेट। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ ही सेकेंड्स में इस सॉफ्टवेयर ने HD इमेजेस जो हैं वो क्रिएट करके दे दी हैं। ये बहुत ही अमेजिंग, ब्यूटीफुल और सुपर किस्म के इमेजेस जो हैं आपके सामने हैं। डाउनलोड कैसे करना है, इमेज पे क्लिक करना है, नीचे 3 डॉट का ऑप्शन नज़र आएगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड का और सिंपली इस पे क्लिक कर देना और आपकी इमेज जो है वो सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगी। सेकेंडली, अगर आपको कोई भी इमेज पसंद नहीं आई, आप इसको जो है रीजनरेट करना चाहते हैं तो आपने बैक पे जाना है, सेम प्रॉम्प्ट के साथ आपने क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और सॉफ्टवेयर आपको सेम फीचर्स के साथ डिफरेंट इमेजेस जो है वो क्रिएट करके प्रोवाइड कर देगा। थर्ड स्टेप, अगर आप जो है अपने प्रॉम्प्ट में कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो ये भी एडिटेबल है, आप इजीली चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर जो है एडिट करना चाहती हूँ कि जो हुडीज़ के कलर्स हैं वो कलर चेंज करना चाहती हूँ और पिंक के साथ मैं चाहती हूँ कि वाइट का कंट्रास्ट हो, तो मैं यहाँ पर वाइट राइट कर दूँगी। इसके अलावा आप प्लेसेस चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पर नेम्स को इजीली एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें आपके सामने जो इमेज क्रिएट होके आई है, जो मैंने इनपुट में चेंजेस की थी उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर ने मुझे बेस्ट वाली आउटपुट प्रोवाइड कर दी है। That's all about today. I hope आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। If is it, please like, subscribe and hit the bell icon too, कि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टिकटॉक अकाउंट का लिंक प्रोवाइड कर दिया है। आपने मेरे अकाउंट को विजिट करना है, वहाँ पर मैंने बहुत सारी इमेजेस अपलोड की हुई हैं। आपने मुझे बताना है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कौन सी इमेजेस का प्रॉम्प्ट जो है वो प्रोवाइड करूँ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, हैव अ गुड डे।